अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे आपको केन वुड के हब के बारे में कि उसको आपने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये हब और ओवन ग्रिल इकट्ठे ही है। तो हब के बारे में आपको बताते हैं, ये इसका चूल्हा है दरमियाना, और ये इसका इसके इस दरमियाने से थोड़ा कम है, लेकिन जो सेंटर वाला है इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हीट है, और साथ वाला भी उसके भी दरमियानी फ्लेम है और इसकी बिल्कुल कम है। अब आपको बताते हैं कि उनको ये जो बटन है ये है इसके सेंटर वाले। ये सेंटर हब हो गया और ये इससे अगले के बारे में, और ये बटन इस पे मोस्टली मैं कुकिंग इस पे करती हूँ, क्योंकि इस पे आपकी हांडी रोटी हर चीज़ आसानी से तैयार हो जाता है, और उस पे भी आप आसानी से कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जब आपने कोई चीज़ दम पे लगानी है या हल्की आंच पे रखनी है तो आप उसके लिए वो दे रहे हैं। और जो सेंटर वाला चूल्हा है इसके लिए आपने बड़ी कोई भी ज़्यादा चीज़ बनानी है, जैसे 5-6 किलो चावल बनाने हैं, गोश्त बनाना है, इस तरह के लिए इसकी प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। और इसके बाद हमारा ये आ जाता है इसके लिए, ये इसके ये अपने ऑन करना है इसको भी, और जो सबसे बिल्कुल दरमियानी फ्लैम वाला बिल्कुल लो फ्लैम वाला ये है, इस पे आपने बिल्कुल कोई हल्की सारी चीज़ रखनी है काफ़ी देर के लिए। इस पर ये हमारा अब इसके बारे में सारा हो गया, और इसके जो ओवन के हैं ये खाली ये 3 बटन इसके ओवन के फंक्शन के लिए है, ये ओवन के टेम्परेचर के लिए है, ये ओवन के फंक्शन के लिए है, और ये इसका टाइमर है। और ओवन के अंदर ग्रिल और दोनों चीज़ें हैं, ओवन दोनों हैं, उसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, वो भी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आपके बारे में आपने पूछा तो मुझे यकीन है कि आपके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी, इसके हब का इस्तेमाल बहुत आसान है। आप देख सकते हैं ये सारे 5 बटन 5 चूल्हों के लिए है, और ये 3 ओवन के लिए है, और चूल्हा जो हम ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी बड़ी फैमिली है तो हमें कुकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, काफ़ी इसकी हाई फ्लेम है और काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग इस पर कुकिंग कर लेते हैं। तो अगर आपने भी इस तरह का बड़ा लेना है तो ये बड़ी फैमिली के लिए बेहतरीन है, और अगर आपके पास ज़्यादा मेहमान हैं, ज़्यादा आपने कुकिंग करनी है तो जल्दी जल्दी आपकी कुकिंग हो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।